Hello students, welcome back to our YouTube channel Alisha Maths Classes. So today we will discuss chapter number 10 straight lines of class 11th. So I will discuss one important thing of introduction part of this chapter, that is angle between two intersecting lines. So the two intersecting lines, let us take that their slope as M1 and M2. दो lines हैं जो एक दूसरे को intersect कर रही हैं, दोनों को एक दूसरे को cut कर रही हैं, तो उसके बीच में angles का क्या relation आएगा उसको हम proof करके देखेंगे. Although I have given the introduction part also in my previous video, so those students who have not watched that video till yet, they can just click over the description link. The description is given in the I link. You can just click over there to watch that video to understand the full knowledge and introduction part of this chapter number 10 straight lines. So without wasting the time, let us see how to prove that the relation 10 theta is equal to m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2 is derived in the case when the lines are intersecting. See now. So students, here I have drawn a diagram or sorry figure. These are the two lines, x-axis and y-axis, which intersect each other at point O. Let us take two lines, L1 and L2. ये हमने two lines ले ली हैं, L1 और L2. Let us suppose the angle between them is theta. इन दोनों के बीच में angle क्या suppose कर लेते हैं? Theta. Although इन दोनों के बीच का angle ये भी हो सकता है. ठीक है ना, इसका एंगल ये भी हो सकता है, हम इसको फाई भी सपोज कर सकते हैं. दोनों के बीच में कोई भी एंगल हो सकता है. दोनों के बारे में हम केसेस डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम और डिराइव करेंगे कि हाउ 10 थीटा इज इक्वल टू मॉड वैल्यू ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2. तो अभी हम एक केस लेकर चलते हैं. ध्यान से देखिए, ये दो लाइन्स हैं, इनके स्लोप आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे. तो अभी मुझे यहाँ पे गिवन नहीं है, तो मैंने सपोज कर लिया कि ये जो L1 लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है, अल्फ़ा 1, और ये जो L2 लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रही है, अल्फ़ा 2. ऐसा हमने क्यों अज्यूम किया है, क्योंकि यहाँ पर हमें स्लोप गिवन होती है और स्लोप फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू 10 थीटा. तो ऑफ कोर्स अगर मुझे थीटास गिवन होंगे तो मैं इसके स्लोप फाइंड आउट कर सकती हूँ. सो लेट L1 एंड L2 आर टू इंटरसेक्टिंग लाइंस. सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारी L1 और L2 टू इंटरसेक्टिंग लाइंस है, विच इज मेकिंग, जो कि क्या एंगल बना रही हैं, मैंने आपको बता चुकी हूँ. यहाँ पे मान लेते हैं कि L1 लाइन एंगल अल्फा 1 बना रही है और जो L2 लाइन है वो अल्फ़ा 2 एंगल बना रही है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ अल्फ़ा 2 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जो कि हमें स्लोप के लिए काम आएगा ना फाइंड आउट करने के लिए. तो दोनों के साथ क्या बना रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस साथ क्या बना रही है, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2. अभी ध्यान से देखिए, इन दोनों के बीच में जब ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, तो अभी मैं ये वाला केस लेके चल रही हूँ कि सपोज इन दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है, थीटा. सो लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन L1 एंड L2. तो अभी हम रिलेशन लेके आएंगे वो वाला. ध्यान से सोचिए, अगर ये दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं तो अगर ये एंगल थीटा है तो डेफिनेटली ये भी थीटा होगा मेरा, क्योंकि कैसे एंगल है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल. और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल. वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से एंगल होते हैं, जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो एक ही वर्टेक्स के आमने सामने जो दो एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं. अगर ये 30 तो ये भी 30 होगा. तो दो लाइन्स हमारी इंटरसेक्ट कर रही है ना, ये एक ही वर्टेक्स के इधर इस साइड थीटा बन रहा है, तो ये भी थीटा ही होगा हमारा. तो देख लीजिए, ये भी थीटा होगा. अगर मैं इस पॉइंट को ए ले लूँ और इस पॉइंट को बी ले लूँ और इस पॉइंट को सी ले लूँ, तो आपको पता है ये ट्रायंगल एबीसी का अल्फ़ा 1 जो एंगल है वो इसका एक्सटीरियर एंगल है. और ये हम थ्योरम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने प्रूफ किया था, वेन टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन द स्लोप ऑफ देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1. जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है हाउ टू प्रूव दैट, दे कैन अगेन सी इन द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. आई हैव एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन वेन टू लाइन्स आर कोलिनियर और सॉरी वेन टू लाइन्स आर पैरेलल एंड वेन टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, देन वॉट इज द रिलेशनशिप बिटवीन देयर स्लोप. दोनों के स्लोप का हमने डेरिवेशन की है,
उसमें भी मैंने यही कॉन्सेप्ट यूज़ किया और मैं यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाली हूँ। तो वहाँ पे पता है आपको, ये नाइन्थ क्लास में आप थ्योरम पढ़ के आए हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है। किसी भी ट्राइंगल का जो बाहर वाला एंगल होता है वो उसी के अपोजिट उन अंदर वाले दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी या बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के अकॉर्डिंग जो ये अल्फा वन है मेरा, एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। तो इस ट्राइंगल के अंदर वाली साइड पे अपोजिट साइड पे कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, अल्फा टू और थीटा। तो डेफिनेटली ये तो समझ आ गया होगा सबको कि अल्फा वन इज इक्वल टू अल्फा टू प्लस थीटा होगा। अब मैं दोनों साइड टेंजेंट अप्लाई कर देती हूँ, यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू निकाल लेती हूँ। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू अल्फ़ा टू वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा वन माइनस अल्फ़ा टू। अब हम दोनों जगह टेंजेंट अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा वन माइनस टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा टू। क्लियर है, सॉरी टेंजेंट इकट्ठा अप्लाई होगा तो टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा वन माइनस अल्फ़ा टू आ जाएगा। दोनों साइड हमने टेंजेंट अप्लाई कर दिया। अब आपने थर्ड चैप्टर में इसी क्लास में, क्लास इलेवेंथ में थर्ड चैप्टर में फॉर्मूलाज पढ़े हुए, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। तो ये आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है थर्ड चैप्टर में, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। सो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू आएगी टेन ए, ए यहाँ पे क्या है अल्फ़ा वन, माइनस टेन बी की जगह यहाँ पे क्या है अल्फ़ा टू, अपॉन वन प्लस टेन ए क्या है अल्फ़ा वन, इंटू टेन बी की वैल्यू क्या है अल्फ़ा टू। क्लियर है। अब आपको पता है कि अगर ये लाइन अल्फ़ा वन एंगल बना रही है, एल वन लाइन अल्फ़ा वन एंगल बना रही है, तो यहाँ से आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो स्लोप है m1 वो क्या हो जाएगा tan अल्फ़ा वन, और जो स्लोप सेकंड लाइन का क्या हो जाएगा tan अल्फ़ा टू, क्योंकि आपको पता है किसी भी लाइन का स्लोप निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, m इज इक्वल टू tan थीटा। तो अगर l1 लाइन अल्फ़ा वन एंगल बना रही है तो m1 किसके इक्वल हो जाएगा tan वन अल्फ़ा वन के इक्वल, और m2 किसके इक्वल हो जाएगा tan अल्फ़ा टू के इक्वल। तो यहाँ पे tan अल्फ़ा वन की जगह मैं क्या डाल दूंगी m1, और tan अल्फा टू की जगह क्या डाल दूंगी मैं m2। तो ये आ चुका है tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन वन प्लस m1 m2। एक तो ये आ गया रिलेशन यहाँ से, और दूसरा देखिए हमारा ये जो एंगल है, एक तो ये रिलेशन आ गया कि इन दोनों के बीच में हमारे पास ये रिलेशन आ गया m1 माइनस m2 अपॉन वन प्लस m1 m2। दूसरा हमारा एंगल इन दोनों के बीच में फाई भी बन सकता है। अब फाई जो एंगल है, अगर थीटा और फाई में रिलेशन देखिए तो ये दोनों लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर क्या होता है, जब दो एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। अगर ये थीटा है तो फाई किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। डेफिनेटली इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल है। ये थीटा है तो ये कितना होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो अगर इन दोनों के बीच में या तो थीटा एक्यूट बनेगा या ऑप्टिउस बनेगा, जब भी दो लाइन कट होगी तो या तो उन दोनों के बीच का एंगल एक्यूट होगा या फिर ऑप्टिउस होगा। अब ये तो हमने एक्यूट एंगल का केस ले लिया, अगर ऑप्टिउस है फाई एंगल बन रहा है तो फाई किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा के इक्वल होगा होगा। तो यहाँ पर अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस फाई। यहाँ पर डाल देती हूँ टेन 180 डिग्री माइनस फाई, तो देखिए क्या आएगा, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा। थर्ड चैप्टर आपका अगेन वही रिलेशन यूज होगा, क्योंकि 180 डिग्री माइनस थीटा हमारा लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन मेरा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो माइनस टेन फाई आ गया इज इक्वल टू एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू। यहाँ से नेगेटिव को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ से टेन फाई क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू।
तो यहाँ से टेन फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब हम नेगेटिव अंदर शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा एम टू पॉजिटिव और एम वन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं कि इसमें और इसमें क्या रिलेशन है। देखिए डिनोमिनेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर हमेशा नॉन ज़ीरो होगा, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो गया तो थीटा डिफाइन नहीं हो सकता, क्लियर है। अभी यहाँ पे देखिए वन प्लस एम वन एम टू की वैल्यू नॉन ज़ीरो होगी, डिनोमिनेटर में सिर्फ इतना फ़र्क है कि यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये इसका नेगेटिव है, तो इसीलिए जब हम इन दोनों के बीच में रिलेशन देते हैं तो वो क्या ले लेते हैं, इसकी मॉड वैल्यू। चाहे आप m1 वन माइनस एम टू भी लिख सकते हैं, चाहे आप m2 टू माइनस एम वन भी लिख सकते हैं, क्योंकि मॉड ओपन होगी तो ये प्लस माइनस में ओपन होगा। अगर एक बार प्लस लेंगे तो ये वैल्यू ले लेंगे, माइनस ले लेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी। इसका मीनिंग समझ लीजिए ध्यान से। इस यहाँ पे दो एंगल्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपका जब भी दो लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगी तो हमेशा उन दोनों के बीच में या तो एक्यूट एंगल फॉर्म होगा या ऑप्टिव एंगल फॉर्म होगा। वो चेक करना है कि आपने किस तरह से, अगर ये एंगल ले रहे तो ये आपका एक्यूट होगा, एक्यूट एंगल में आप ये वाला केस लेके चलेंगे, और ऑप्टिव एंगल क्योंकि आपका 180 डिग्री माइनस थीटा होता है, 180 डिग्री में से कुछ भी माइनस करेंगे तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा और वो आपका ऑप्टिव एंगल हो जाता है। ऑप्टिव एंगल के केस में ये वाला केस रहेगा। तो ओवरऑल हम ये रिलेशन लेके चलते हैं। तो यही रिलेशन हमने एक्सरसाइज में यूज करना है। एक्सरसाइज 10.1 के जब हम क्वेश्चन करेंगे तब इस फॉर्मूला को आप यूज करोगे, प्लीज नोट डाउन। सो आई होप सो दैट स्टूडेंट्स यू हैव लाइक माई वीडियो एंड यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द डेरिवेशन पार्ट ऑफ दिस फॉर्मूला। नो डाउट बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं बट उनको ये नहीं समझ आता कि फॉर्मूला डिराइव कहाँ से हुआ है। लर्न कर लेते हैं बट यू शुड नो द बेसिक्स हाउ इट हैज़ बीन डिराइव, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड द मैथमेटिक्स। डोंट ट्राई टू क्रैम द मैथमेटिक्स, द बेसिक इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दैट। सो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अलीशा मैथ्स क्लासेस। थैंक यू एवरीवन।